नमस्कार व्यूअर्स मेरा नाम सी एस विवेक शर्मा है और आज हम लीगल गाइड टू स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे लीगल गाइड टू स्टार्टअप्स जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले से अपने भाषण में स्टार्टअप के बारे में बात करी थी और उनका एक सपना है कि हमारी अर्थव्यवस्था पाँच डॉलर पाँच ट्रिलियन डॉलर्स तक लेके जा सकें जिसमें स्टार्टअप एक अहम भूमिका निभाने वाला है इसीलिए आज का विषय काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो चलिए आज हम स्टार्टअप के बारे में कुछ जानकारी शेयर कर रहे हैं जिससे कि हमें ध्यान रखना है जब कभी कोई स्टार्टअप आए तो उसे क्या लीगल कंप्लाइंसिस क्या लीगल गाइड का ध्यान रखना है जिससे कि हमारा स्टार्टअप सक्सेसफुल हो एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न की तरफ जाए तो आज जो हम प्रेजेंटेशन में बात कर रहे हैं क्या क्या चीज़ों को आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एंटिटी एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कि अगर कोई भी व्यक्ति बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके पास वो कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होंगे कि वो बिज़नेस को एक कौन कौन से ऑप्शन अवेल करके बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है उसके बाद हम ओवरव्यू ऑफ स्टार्टअप्स की बात करेंगे स्टार्टअप है क्या उसके क्या डेफिनेशंस हैं उसके बाद हम लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि स्टार्टअप को कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद हम एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे लास्ट में हम ये बात करेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि अगर स्टार्टअप करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं तो हमें वो गलतियां नहीं करनी हमें अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना है इसलिए हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है तो चलिए सबसे पहले हमें कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके बाद वो कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है सबसे पहले उसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है सोल प्रोपाइटरशिप फर्म अगर हम हिंदी में बात करें तो उसे एकल स्वामित्व के बाद एकल स्वामित्व भी बोलते हैं और इसमें जो सोल प्रोपाइटर होता है वो ऑनर ऑफ द सोल प्रोपाइटरशिप फर्म होता है और ये ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है जिसके माध्यम से आप कोई भी छोटे व्यापारी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आगे आने वाले स्लाइड्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं हर एक एंटिटी की दूसरा दूसरा ऑप्शन व्यवसाय स्टार्ट करने का आता है पार्टनरशिप फॉर्म जिसको हम साझेदारी भी बोलते हैं अगर दो और दो से अधिक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वो अपनी पार्टनरशिप के वे में बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं जिनको अपनी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट के दर आ, के अंतर्गत उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है उसके बाद 2008 के अंदर एक एक्ट एक आया जिसका नाम था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये हम इसको बोल सकते हैं कि ये एडवांस वर्जन है ऑफ़ द पार्टनरशिप फर्म तो 2008 के एक्ट के अंदर आप अपनी बिजनेस को एक एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं उसके बाद ऑप्शन हमारे पास आता है कंपनी अगर आप कंपनी कंपनी बनाना चाहते हैं कंपनी बहुत टाइप्स की होती हैं अगर आप चाहें अगर एक सिंगल पर्सन जो कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ प्रोपाइटरशिप फर्म की बात करें तो 2013 में न्यू कंपनीज एक्ट आया और उसमें एक कंसेप्ट आया ओ पी क्या है वन पर्सन कंपनी ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पार्ट है वन पर्सन कंपनी यानी कि अगर किसी को सिंगल किसी विदाउट किसी टेकिंग अ हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन और बिजनेस स्टार्ट करना है और वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर वे में स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो ओ पी सी इनकॉपरेट कर सकते हैं फिर अदर ऑप्शन इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब दो और दो से अधिक लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं ऐसे ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो सामाजिक सेवाएं करे, सामाजिक कार्य करें तो उनके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं उनके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं या तो वो एक ट्रस्ट के माध्यम एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा सकते हैं या सोसाइटी रजिस्टर्ड करा सकते हैं या फिर सेक्शन एट कंपनी जो कि कंपनी जैक्ट टू के अंदर आती है जैसे कि मैंने आपको बताया हर चीज़ के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले सोल फर्म का जैसे कि सोल प्रोपाइटरशिफ्ट में सबसे मेन मेजर एडवांटेज क्या है कि वो वन मैन शो है मींस आपको अपनी बिजनेस के अंदर दूसरे की इन्वॉलमेंट नहीं चाहिए आप अपनी मैनेजमेंट अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है सोल फर्म बट अगेन इसमें एक डिसएडवांटेज भी है जैसा कि इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड है लाइबिलिटी अनलिमिटेड का क्या मतलब होता है मीन्स अगर इन केस कोई भी बिजनेस लॉस आ जाता है तो आपके पर्सनल असर्ट्स जो पर्सनल असर्ट्स हैं वो भी स्टेक पर आ जाते हैं तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है जो कि एक रेड फ्लैग है इन दी प्रोपाइटरशिप फर्म में अगेन नेम इज़ नॉट रिजर्वड आपका नाम रिजर्व नहीं होता अगर आपने प्रोपाइटरशिप फर्म में बिज़नेस स्टार्ट किया है तो सेम नाम से कोई और भी पर्सन बिजनेस कर सकता है तो ये एडवाइजेबल स्मॉलर बिजनेस मैन और ऑर्गेनाइज सेक्टर में नई काम करने वाले लोग सोल प्रोपाइटरशिप का सहारा लेते हैं उसके बाद आता है पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म में अगर हम बात करें तो लेस कम्पलाइंसिज होते हैं लेकिन अगेन अनलिमिटेड लाइबिलिटी है नेम रिजर्व नहीं होता है उसके बाद आता है जो मैंने बताया आपको 2008 के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया जिसके अंदर जिसके अंदर ये चीज़ का ध्यान रखा गया कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो मीन्स जितना पैसा हमने अपनी फर्म में अपनी एलएलपी में या अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं हमारी लाइबिलिटी उतने तक ही सीमित रहे और इसके अंदर एक बेस्ट पार्ट क्या है कि नो कंपलसरी ऑडिट इसमें एक थ्रेशोर्ट लिमिट दी गई है कि अगर आपकी कैपिटल ट्वेंटी फाइव और टर्न ओवर फोर्टी एक्सीड नहीं करती ये थ्रेश लिमिट है अगर ये एक्सीड नहीं करती है तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट बुक्स ऑफ ऑडिट कराने की एग्जामेशन मिल जाती है इन दी एलएलपी एक्ट बट इसके डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते बट हाँ ये एक डिसएडवांटेज है कि क्योंकि ये एक लीगल लीगल प्रोसेस के थ्रू फॉलो हो रहा है लीगल प्रक्रिया के थ्रू आ रहा है इसी इसमें हायर पेनल्टी है अगर आपने नॉन कम्पलाइंस किया नॉन कम्पलाइंस करोगे तो हायर पेनल्टीज आएंगी उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कंपनी का कंपनी क्या है कंपनी जैसे हमने बताया उसमें लाइबिलिटी लिमिटेड है सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है और क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन होती है गुडविल बनती है बट अगेन डिसएडवांटेज क्या है कॉस्ट आर वेरी हाई अगर हम बात करें एज कंपेयर टू द अदर प्रोविज़न हमारे पास कंपनी बनाते समय बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं अगर हम सिर्फ सिंगल पर्सन के साथ कंपनी बनाना चाहते हैं तो हमें ओ पी सी वन पर्सन कंपनी को ऑप्ट करना होगा इसमें भी इसका बेनिफिट क्या है कि लिमिटेड लिमिटेबिलिटी है और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ पार्टनरशिप फर्म है बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि पेड़ अप शेयर कैपिटल अगर 50 लाख और टर्नओवर 2 लाख 2 करोड़ तक होती है तो आपको कंपलसरी अगर ये थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करती है तो विद इन अ सिक्स मंथ आपको अपनी ओ पी सी प्राइवेट लिमिटेड को नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना होता है और इसको हमें ओ पी सी लिखना कंपलसरी होता है जैसे कि एक्स वाई जेड ओ पी सी प्राइवेट लिमिटेड हम आगे चलते हैं प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड है क्लोजली हेल्ड कंपनी है बट कम्पलाइंसिस आर आर द चैलेंजेस बिकॉज वी हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर मैंशन इन द कंपनीज एक्ट अगेन दैट इज इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी सो जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया तो स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा रेवोल्यूशन है ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ऐसी स्कीम लेकर आई जिससे कि जो इंटरप्रन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू कुछ हेल्प करती है ताकि प्रमोट करती है इससे हमारी इकनॉमी भी बूस्टअप होती है और जिस जिस इंटरप्रेन्योर के पास आइडिया है वो और बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टार्टअप इंडिया स्कीम स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 में सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया की डेफिनेशन आई जो कि धीरे धीरे करके एक्सपैंड होती गई फर्स्ट 2016 में आई फिर 2017 में आई लास्ट 2019 में आई इस डेफिनेशन को एवरी टाइम एक्सपैंड ही किया है जैसे कि पहले ईयर जब आपका डेट ऑफ इंकॉप्रेशन से फाइव इयर्स तक ही आप स्टार्टअप कह सकते थे फिर वो सेवन हुआ और आज की डेट में टेन इयर्स हुआ ऐसे ही टर्नओवर का क्राइटेरिया भी बढ़ा दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप्स में आएँ और अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट करें और हमारी इकनॉमी को आगे लेके जाएँ तो अब जैसे कि हमारी डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्टार्टअप क्या है स्टार्टअप एक ऐसी एंटिटी है अगर आपको स्टार्टअप चाहिए जैसे अभी हमने इससे पहले अपनी स्लाइड में देखा कि हमारे पास कौन कौन से वो बिज़नेस ऑप्शन और मोड अवेलेबल हैं कि कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है तो लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराएं तो आपके पास सिर्फ तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं सबसे पहला आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी है या फिर एल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोलनी है और या फिर लास्ट रजिस्टर्ड पार्टनरशिप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होनी चाहिए अगर आप ये तीन कंडीशन में से एक भी कंडीशन आप ओपन अप करते हैं तो आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इसके बाद कुछ कंडीशन और भी हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है जैसे कि एनुअल टर्न आपकी स्टार्टअप की एनअल टर्न कोई भी फाइनेंशियल ईयर में हंड्रेड करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए अगर आप हंड्रेड करोड़ से टर्न ओवर एक्सीड करते हैं तो आपको स्टार्टअप की डेफिनेशन से बाहर कर दिया जाएगा उसके बाद एंटिटी ये सारी कंडीशंस हैं जो कि प्री कंडीशंस हैं जो आपको सेटिस्फाई करनी है अगर स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स लेने हैं तो उसके बाद एंटिटी इज़ अ वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि एंटिटी इज वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन एंड डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विसेज और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन में अगर ऐसा हुआ तो आप स्टार्टअप की डेफिनेशन्स में आते हो बट ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपकी जो एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं ये स्प्लिटिंग ऑफ और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बिज़नेस ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं आनी चाहिए अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई की तो आप स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स ले सकते हैं जैसे कि अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्टअप इंडिया क्यों आया स्टार्टअप इंडिया का जो मेन पर्पज़ था कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और हमारी इकनॉमी और बैंकिंग सेक्टर बूस्टअप हो इसके साथ साथ बी अ जॉब क्रिएटर देन वाई रिमेन अ जॉब सीकर बिकम अ जॉब प्रोवाइडर सो स्टेप क्या है अगर आज जैसे अभी हमने डिस्कस किया अभी आ, मैंने आपको सब बताया कि कैसे कैसे हम स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स ले सकते हैं हमें क्या करना है तो अगर हमें अपने बिजनेस को इनकॉपरेशन करना है तो फर्स्ट यूमर सेम इंकॉपरेटेड बिजनेस एज या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लैबिलिटी पार्टनरशिप जैसे ही आपकी ये कंपनी इनकाऑपेशन हो जाती है आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ कंपनी अगर आपकी कंपनी इनक हो जाती है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉपरेशन आ जाता है आपकी कंपनी का पैन नंबर आ जाता है उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है बहुत सिंपल बहुत सिंपल प्रोसीजर है आपको स्टार्टअप इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इनकी वेबसाइट पे जाना है वहाँ पर जाकर आपको एक अपनी कंपनी की प्रोफाइल क्रिएट करनी है जैसे ही आपने प्रोफाइल क्रिएट करी उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने अभी मैं अपनी अगली स्लाइड्स में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करने हैं क्या क्या इन्फॉमेशंस देनी है अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन दी तो इससे आप स्टार्टअप इंडिया के डी के थ्रू आपको रिकोगनीशन मिल जाएगा अब मैं चर्चा करने जाता हूँ जा रहा हूँ कि हमें कौन कौन से वो बेनिफिट्स मिलेंगे अगर हम स्टार्टअप इंडिया की डेफिनेशंस में आ जाते हैं हम क्या क्या अवेलेबल कर सकते हैं तो सबसे पहले कि हाई इंटेलेक्चुअल सर्विसे हाई हाई क्वालिटी इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस मीन्स अगर आपकी कंपनी या एल एल पी या पार्टनरशिप फर्म अगर स्टार्टअप इंडिया की डेफिनेशन में आ गई है तो सबसे पहला पॉइंट है इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में आपको रिबेट्स मिलेगी गोरमेंट गवर्नमेंट ट्रेडमार्क में फिफ्टी परसेंट ऑफ करती है रिबेट देती है अगर स्टार्टअप एंटिटी है अगर पेटेंट है तो एटी परसेंट रिबेट देती है ऐसे ही अगर आप पेटेंट की एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन स्पीडली डिपार्टमेंट में मूव होगी ये भी एक स्टार्टअप में बेनिफिट मिल सकते हैं प्लस आप जब स्टार्टअप इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पेटेंट और ट्रेड मार्क फाइल करने के लिए आप लोगों की हेल्प करते हैं उसके बाद एक बेनिफिट आता है रिलैक्सेशन इन पब्लिक प्रिक्योरमेंट नॉर्म्स मींस अगर कोई भी जैसे आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी टेंडर निकालती है कोई भी पी एस यू टेंडर निकालती है उसकी कुछ प्री कंडीशंस होती हैं कि आपका ईयर ऑफ बिज़नेस तीन साल होना चाहिए फाइव इयर्स होना चाहिए टेन इयर्स होना चाहिए लाइक वाइज और आपकी टर्न इतनी होनी चाहिए तो अगर आपका ईयर ऑफ़ बिजनेस एज ऑफ ट्रांसैक्शन अगर इससे ज़्यादा एक्सीड करती है तभी आप टेंडर भर सकते हो बट अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हो